वहाँ पे मूंगफली रेवड़ी बाल्टी में सही है एक और ले जाओ एक और इसे तो पकड़ा नहीं हो यार स्ट्रगल होता है इस लाइफ में सो गाइज पहले तो सभी को हैप्पी लोरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल कुछ नहीं तो लास्ट मेरे ख्याल से क्रिकेट वाला व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने अभी वैसे स्टेडियम आए हुए हैं क्योंकि जिम्स बंद हो गए हैं एज आई टोल्ड यू बिफोर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ऐसे ही घूमने आ जाते हैं मन भी नहीं लग रहा दो तीन दिन से व्लॉग नहीं बनाया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या किया कुछ नहीं किया दो दिन तो कुछ नहीं किया ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमे कल मिक्सी सही कराने गए थे कैंटम वहाँ पे बड़ी मस्त लोकेशन थी वो आपको दिखाता हूँ मैं तो देखिए मतलब मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई एक स्टोरी बनाई थी पर बहुत अच्छी लोकेशन थी शायद रील भी डाले हम इस पर तो आज लोहड़ी है यहाँ पे पीछे स्टेडियम के सामने वाला ग्राउंड है जिसमें जहाँ पिछले ब्लॉग में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ इन्होंने बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी करके मतलब बहुत बड़ा वो लगाया है लकड़ियों का झुंड जहाँ पर आग लगेगी वो दिखाता हूँ मैं आपको वो देखने वाली चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सेटिंग का प्रोग्राम भी है अच्छा अभी देखो साइड में गाइस वॉशरूम है ये मेल वॉशरूम का गेट है वो फीमेल का है और हमारे राइट साइड में है लोहड़ी का वो दिखाता हूँ चेंज करके रात को एक तो लाइटिंग कम हो जाती है ना इसलिए मैं सूट नहीं करता और लाइट अभी पता है पहले लाइट कौन दे रहा था बब्बू से हाय अब यहाँ फौजी का ऊपर वो है दिख नहीं रहा हुआ यहाँ पे वो लगी लकड़ियाँ उसके राइट में वहाँ पे वो कुर्सियाँ दिख रही हैं ज़्यादा पास नहीं जा सकते अभी मतलब मेरे ख्याल से वो कर रहे हैं वो अफसरों का बैठने का है वहाँ पे मूंगफली रेवड़ी वो वहाँ पे मिलेंगी वो मैं मिलेंगी जब दिखा दूँगा ऑब्वियसली ठंड बहुत हो रखी है कल दो दिन से टेम्परेचर गिर गया अब 10 के नीचे चल रहा है बंदे दिखाता हूँ जो हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्मी लवर्स यहाँ पर नवी दीक्षित चंबू और एक दो और हैं और बब्बू भी है हाँ आपने देखा था ना कोई नहीं था अब देखो लोग आ गए पता नहीं लाइटिंग में दिख रहे हैं नहीं पर आ गए हैं लोग अभी देखो अनाउंसमेंट भी करेंगे थोड़ी देर में वहाँ पर ढोल बज रहा है पता नहीं दिख नहीं रहा होगा पर बज रहा है तो आई होप ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो ये दो लोग बीच में व्यू खराब कर रहे बट जी भी हमारे मेन प्लेयर गए खेलने स्ट्रेचिंग करते हुए यार एक चक्कर मारिया मैंने भी लेकिन ये वीडियो सर का पार्ट ओ एक रन लेते हुए ओ ये फास्ट करा रहा है दूसरे प्लेयर ने पोजीशन ले लिया इधर मैं भी एक बारी कीता ही पर मैं पहली बोल लिया हां बाज फिर तू यार इनके बंदे कितने 1 2 3 4 और अपने तूने कितनी खेली दी भाई अरे एक ही वाइड कराई उसने मेन प्लेयर वापस आते हुए और इंटरनेशनल बॉलर वहां से बॉल कराते हुए ये बचता हुआ रन सही है एक और देख रहे हैं
ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਕੈਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਦਿਖਣ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਰਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਬਤਾਈਏ ਕਹੇਗਾ ਆਪਕੋ ਗਾਇਸ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੈਂਟੀਨ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਕਲ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ तो अभी हमको ऐसे ही ले जाने पड़ेंगे खतरों से खेल के क्या लगता है सही सलामत पहुंचेंगे ग्रेट सक्सेस गाइस बिना एक भी अंडा फूटे ले आया दिक्कत ये भी मैंने ये वाला लोअर पैंट था इसका जेब बहुत छोटा सा है तो फ़ोन ही नहीं आता इसमें तो यहाँ फ़ोन रखा है एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था एक हाथ से एक्टिवा चला रहा था स्ट्रगल होता था इस लाइफ में बट तब भी हम हर एक अपनी सारे स्ट्रगलों को पार करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप भी बढ़िए अभी मैं ना कैंटीन आया था गुलदाना लेने गुलदाना नमकीन और थोड़े लिफाफे लेने थे मम्मी को मंदिर में बांटने हैं तो गुलदाना था नहीं हमें आधी किलो लेना था पर वैसे बता रहा हूँ गाइस अभी मेरे ख्याल से 8-9 डिग्री हो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मतलब महसूस हो रही है अब जनवरी की आज मेरे ख्याल से 16 तारीख है और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ असलियत में ठंड पड़ रही है मैंने अंदर पता नहीं दिखेगा नहीं अंदर एक इनर है उसके बाद हुड्डी फिर जैकेट है नीचे भी 2 लोअर पहन रखे बहुत ठंड है ये बाहर जाके लाना पड़ेगा मेरे को बाहर एक तो जाने नहीं दे देना पर हम कोई ना कोई बहाना लगा के चले जाएंगे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है हाथ भी मेरे जम रहे हैं मतलब ऐसा मन कर रहा है जेब से निकाल